हेलो मॉम्स एंड डैड एंड वेलकम टू मॉम गुड लाइफ। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चे दूध पीते ही उल्टी क्यों करते हैं। ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ जिसकी वजह से बच्चे दूध पीते ही उल्टी करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि बच्चे उल्टी करना कब बंद करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग जिसको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और संग ही संग अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। पहला पॉइंट ये है कि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है इसलिए वो ज़्यादा दूध नहीं पी पाता है। इसलिए हम पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे को दूध पीने का क्या पैटर्न है। ऐसे तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हर 2 घंटे पर बच्चे को फीड कराया जाए, लेकिन कभी कभी बच्चे को 1.5 घंटे में भी भूख लग जाता है। तो बच्चे का क्या पैटर्न है दूध पीने का वो हमें समझना चाहिए। अगर आप एक बार दूध पिलाए उसके तुरंत बाद ही 1 घंटे के अंदर ही आप वापस से दूध पिलाए तब वो दूध पचा नहीं सकेगा बच्चा और उसे उल्टी कर देगा। इसलिए आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कितने देर बाद भूख लगता है। सेकंड पॉइंट ये है कि कई बार जल्दी जल्दी या ज़्यादा दूध पिलाने से भी उल्टी होता है बच्चे को। इसलिए एक साथ दूध पिलाने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर बार बार एक प्रॉपर इंटरवल में अपने बच्चे को दूध पिलाएं, जिससे बच्चे को दूध पचाने में आसानी होगी। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा दूध पिए तो उसको डकार ज़रूर दिलाएं। डकार दिलाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो उसके मुंह में आसपास का हवा भी घुस जाता है और वो हवा पेट में जाके गैस का फॉर्म ले लेता है, और ये गैस निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो डकार के रास्ते ही निकलता है। और अगर आपको डकार से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है इस पर बना हुआ है, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि बच्चा जब दूध पीता है तब उसके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, या दूध पिलाते ही तुरंत उसे पेट के बल लेटाना नहीं चाहिए, और दूध पिलाने का सही तरीका भी होना चाहिए। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करें तो आप बच्चे का जो सिर होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे दूध उसका पेट में आसानी से चला जाए। सेम अगर आप बॉटल फीड भी करा रहे हैं तब भी आपका बच्चे का जो सिर है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे उसका जो दूध है वो आसानी से पेट में चला जाए। कभी भी सीधा लेटा के अपने बच्चे को दूध ना पिलाएं, इससे उल्टी करने का चांसेस बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर बच्चे को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तब भी बच्चा उल्टी कर देता है। बच्चे को गैस के प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा दिलाना चाहिए इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई बटन में भी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सिक्स पॉइंट ये है कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो तब भी वो दूध पीते ही उल्टी कर देता है। इसलिए ट्राई करें कि अगर बच्चे को सर्दी जुकाम है तो उसको पहले ठीक करें, तभी आपका बच्चा ठीक से दूध पी पाएगा। 7th पॉइंट ये है कि अगर बच्चा बहुत रो रहा है और ऐसे में उसको खांसी आ जाए तब भी बच्चा उल्टी कर देता है। सो पेरेंट्स, ये सब थे 7 पॉइंट्स जिसकी वजह से बच्चे दूध पीते ही उल्टी कर देते हैं। अगर आप ये सब ट्राई कर चुके हैं फिर भी आपका बच्चा उल्टी करता है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं कि बच्चे कब उल्टी करना बंद कर देते हैं। बच्चे जनरली 6 से 7 महीने तक उल्टी करना बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के केसेस में ऐसा होता है कि वो 1 साल तक उल्टी करते रहते हैं। अगर आपके केस में ऐसा है कि आपका बच्चा 1 साल तक उल्टी कर रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए इस बारे में। तब तक के लिए एंजॉय योर पेरेंटहुड। थैंक यू।